सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। जब इनका एंट्री हुआ था, जितने भी सेलिब्रिटीज थे, कॉमनर्स था, मुझे उसी टाइम लग गया था कि ये शो फ्लॉप होना है। ईशर शान को छोड़ के कोई भी सेलिब्रिटी लेवल का है ही नहीं। अच्छा, बहुत दिनों बाद टेली मसाला के साथ अब नजर आ रही है, तो पहली सवाल तो मेरा ये है कि बिग बॉस 12, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया बिग बॉस 12 को लेकर, बिग बॉस 12 कितना फॉलो कर रही है अर्शी? जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि बिग बॉस मुझे शुरुआत से ही, पहले हफ्ते से ही, मतलब जब इनका एंट्री हुआ था, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, कॉमनर्स था, मुझे उसी टाइम लग गया था कि ये शो फ्लॉप होना है। मैं वाकई में मैंने बड़े दिल से सोच लिया था कि जो जो उन लोगों का आना था, जैसा आपने बिग बॉस सीज़न 11 में देखा होगा, जब जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे या कॉमनर थे, कुछ अलग ही ऑरा था। मतलब आए एकदम से धमाल मचा गए, चाहे वो आकाश हो, बैंग बैंग करता, कुछ भी करता हुआ आया हो, तो मज़ेदार था। लेकिन शिल्पा जैसे अचार खा रही है और अपनी अदाएँ दिखा रही है, तो जब मैंने इन लोगों की एंट्री देखी तभी मैं समझ गई थी कि शो फ्लॉप है। और मैंने उसके बाद इस सीज़न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। एक बार देखा था जब शिल्पा और विकास गए थे उस शो के अंदर, तो मैं उस टाइम भी देख नहीं पाई पूरा, लेकिन श्रीसंत ने जो इंसल्ट किया था विकास गुप्ता का, तो बहुत वायरल हुआ था, तो वो देखना बनता है। इस बार का बिग बॉस ऐसा है जिसने एक ऐसा बॉस नहीं क्रिएट कर पाया जो इससे पहले के सारे बिग बॉस ने किया, क्या कमी लग रही है, क्यों ऐसा हो? कास्टिंग ख़राब है। मैंने मेकर्स को भी बोला, ये चीज़ मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे यही बोला, कास्टिंग बहुत गलत है, क्योंकि श्रीशांत को छोड़ के कोई भी सेलिब्रिटी लेवल का है ही नहीं, बिकॉज श्रीशांत को सब जानते हैं, और ना कि इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत लोग उसको जानते हैं। लेकिन ये सही बात है कि मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि रोहित सुशांति को कोई नहीं जानता है, करणवीर बोहरा को भी मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ, शायद वो कसौटी ज़िंदगी में थे, आई डोंट नो, है ना। तो और दीपिका कक्कड़ से मैं पहली बार एंटरटेनमेंट की रात पे मिली थी, तो मैं इतना ज़्यादा इन लोगों को नहीं जानती। जो एक लेवल था, मतलब बिग बॉस 11 के अंदर जो सेलिब्रिटी लेवल पे अगर सबसे बेस्ट टू बेस्ट देखा जाए, तो शिल्पा थी, हितेन तेजवानी थे, और बाकी तो फिलहाल मुझे किसी लेवल के सेलिब्रिटी नहीं दिखे। वो लोग ही काफ़ी थे एक सेलिब्रिटी उस पर, और हमारे कॉमनर्स भी बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने बहुत अलग ही लेवल पे खेला है। लेकिन इस टाइम के कॉमनर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, और जो भी स्टोरी बनाई थी मेकर्स ने, चाहे वो जसलीन या अनूप जलोटा से लेकर हो, वो भी फेल हो गई, तो नहीं कर पाए। अब तो बचे कितना टाइम है, 2 हफ्ते तो बचे हैं।